सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर पीटीआई रहनुमा 2 केसेस में बरी हो गए हैं। आज़ादी मार्च दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के केस में बानी पीटीआई बरी हो गए हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फैसल जावेद भी थाना कोसार में दर्ज मुकदमे में बरी हो गए हैं। सेशन कोर्ट ने कासिम सूरी, अली नवाज अवान और खुरम नवाज को भी बरी कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। अवैश अबासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैश, बताइएगा इस मुकदमे में मजीद कौन कौन लोग शामिल थे जिनको बरी कर दिया गया? सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अदालत ने बानी पीटीआई, शेख रशीद, फैसल जावेद को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में बरी कर दिया। इसके साथ अली नवाज अवान, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी, राजा खुरम को भी अदालत ने बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने दरख्वास्त पर बरी का फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और दीगर के पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी के तोड़ फोड़ की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। इसके साथ दूसरी अदालत ने बानी पीटीआई जगदाजगुल, अली नवाज अवान, फैसल जावेद की दरख्वास्त से बरीत मंजूर हुई है। इसके साथ साथ शेख रशीद से शाह महमूद कुरैशी, राजा खुरम नवाज और शीरी मजारी भी शामिल है। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुराद अली शाह से बरीत पर महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और दीगर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस थाना कराची कंपनी में मुकदमा ये दर्ज किया था। तो आज 2 अदालतों से जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिलीफ मिला है। जी सही, बहुत शुक्रिया अवैश अबासी, आप हमें आगाह कर रहे थे। और आगे बढ़ते आपको बताएं कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा भी शामिल हैं। गवर्नर मशरक़ी आज़रबाईजान के भी जो गवर्नर हैं वो इसमें शामिल हैं और तबरेज़ के इमाम सैयद मोहम्मद हाशिम भी इसी हादसे में जाँ बहक हुए हैं। ईरानी सदर के सिक्योरिटी यूनिट के कमांडर सैयद मेहदी मूसवी भी इस हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। आपको बताएं कि ये हादसा तबरेज़ से 100 किलोमीटर दूर ईरानी सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में पेश आया और हेलीकॉप्टर हादसे की वजह शदीद धुंध और बारिश को करार दिया जा रहा है। सदर इब्राहिम रईसी डैम का इफ्तिताह करने के बाद वापस तबरेज़ जा रहे थे जब ये हादसा पेश आया और इस हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी जाँ बहक हो गए हैं। नायब सदर मोहम्मद मुखबर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर हो गए हैं। मोहम्मद मुखबर की बतौर अबूरी सदर तकर्री की मंजूरी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई ने दी है। ईरानी आइन के मुताबिक मुल्क में 50 दिन के अंदर दोबारा सदारती इंतखाब कराया जाएगा। आयतुल्ला खामनेई का कहना है कि मुल्क की इंतजामिया वाक़े से मुतासर नहीं हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ़ ज़रदारी का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। ईरानी सदर, वज़ीर ख़ारिजा और जाँ बहक होने वाले दीगर अफराद के सोगवरान से इजहार ताज़ियत। सदर ममलिकत ने मुस्लिम उम्मा के लिए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की खदमात को खराज तहसीन पेश किया। इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे, ये कहा गया। सदर ममलिकत की जानिब से और आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। पाकिस्तानी कौम 1 रोज़ा कौमी सोग मनाएगी और कौमी परचम सरनगू रहेगा, ये कहा गया। वज़ीर आज़म की जानिब से इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुस्बत खबर का मुंतज़र था मगर ऐसा नहीं हो सका। अल्लाह शहादत का रुतबा पाने वालों को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये अल्फाज कहे गए हैं। ईरानी कौम अपने रवायती जुर्रत से इस अजीम सदमे को बर्दाश्त करे। पाकिस्तान का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा की शहादत पर ताज़ियत का इजहार। गम की इस घड़ी में ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। और आपको बताएं कि दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से ये कहा गया कि हमारी दुआएं शहदा के अहले खाना और ईरान के अवाम के साथ हैं। ईरानी सदर की पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई ताउन को तक़वीत देने के लिए खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ का हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ का सोगवार ख़ानदानों और ईरानी अवाम से इजहार ताज़ियत। और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत ईरान के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है, ये कहा गया उनकी जानिब से। मज़ीद ये भी कहा कि ईरानी अवाम के दुख में बराबर के शरीक है। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के लिए इब्राहिम रईसी की खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ से लाहौर के इरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है। मुलाकात में लाहौर की डेवलपमेंट के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और सूबे की सूरत हाल का जायज़ा और मिलकर चलने के अज़्म का इरादा किया गया है। अरकान असम्बली ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को अवामी ज़रूरियात और मसाइल से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज़ की अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम की यकीन दहानी। शहरों की सफाई सुथराई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं, मरियम नवाज़ का ये कहना था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की माहिरीन के साथ मुलाकात में बच्चों का छोटा कद रह जाने के सिंगल एजेंडे पर बातचीत की गई है। वर्ल्ड बैंक सेहत के शोबा में सिंध हुकूमत का अहम शराकतदार है। वज़ीर आला सिंध की जानब से कहा गया है कि सिंध में असिस्टिंग और की शरह 40% है। आपको बताएं कि पीने के साफ पानी की फ्राहमी की स्कीम्स देहात तक पहुंचाने का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ये भी बताया गया वज़ीर आला सिंध की जानिब से। जबकि सफाई सुथराई और निकासियाब के मसाइल हल कर रहे हैं। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशद से। जी मोहम्मद अशद, बताइएगा कि मज़ीद किन अमूर पर गुफ्तगू हुई इस मुलाकात में? जिनको देखें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर से मुलाकात हुई है। वज़ीर आला हाउस में मुलाकात में बच्चों का छोटा कद रह जाने के सिंगल एजेंडा पर बातचीत हुई। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि वर्ल्ड बैंक का मिशन सिंध हुकूमत की स्टंटिंग जैसे अहम मसले को हल करने में मदद कर रहा है। वर्ल्ड बैंक सेहत के शोबे में सिंध हुकूमत का अहम जो है वो शराकतदार है। इजलास में बताया गया कि बड़े सगीर में बच्चों का कम वजन और छोटे कद रह जाना जो है वो बहुत ज्यादा एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान में छोटा कद होने की शरह 40% है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि सिंध में स्टंटिंग की शरह 46% है, जिसको कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। जबकि साफ पीने के पानी की फराहमी की स्कीम्स हर देहात तक पहुँचाने का प्रोग्राम भी शुरू किया जा रहा है। सफाई सुथराई और निकासी आपके मसाइल भी हल किए जा रहे हैं। इजलास में वज़ीर आला का मजीद कहना था कि लोगों को जो है खाद खुराक और सफाई सुथराई के हवाले से आगाही देना हमारे प्रोग्राम में शामिल है। इजलास में वर्ल्ड बैंक टीम ने बताया कि उनके 6 प्रोग्राम सिंध में जारी हैं, जिसमें सेहत प्रोग्राम, हेल्थ एंड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट, सोशल प्रोटेक्शन, रूरल सर्विसेज, घरों की तामीर और सेंडिंग को हल करना शामिल है। वज़ीर आला ने बताया कि सैलाब मुतासिन के घरों की तामीर में अलग वॉशरूम बनाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 18 सालों में गुर्बत में भी जो है वो कमी आई है, जबकि पीने के पानी और सेहत की सहूलियात तक रसाई काफी बेहतर की गई है। जी मोहम्मद अशद, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में 2 सगे भाइयों समेत 15 लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर समात हुई। तफ्तीशी अफसरान की जानिब से रवायती रिपोर्ट्स पेश करने पर अदालत बरहम हो गई। शहरी खुद गए हैं या लापता किए गए हैं, तलाश करना रियासत की जिम्मेदारी है, ये कहा गया सिंध हाई कोर्ट की जानिब से। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है लियाकत राना। लियाकत राना, समात का हवाल बताइएगा। में आज 2 सगे भाइयों समेत 15 लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों की समात शुरू हुई तो तफ्तीशी अफसरान ने अपनी रिपोर्ट्स अदालत में पेश की, जिनको देखकर जस्टिस नेमतुल्ला फुलपोटो ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप हर दफा तक रवायती रिपोर्ट्स पेश कर देते हैं। शहरी खुद गए हैं या उन्हें लापता किया गया है, उनको तलाश करना बहरहाल रियासत की जिम्मेदारी है। पुलिस लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम करे और रवायती तरीके इख्तियार ना किए जाए। बंदे जो लापता लोग हैं उनको बाजियाब करवाया जाए। अदालत ने सिंध पुलिस और हुकूमत सिंध, वफाकी हुकूमत और दीगर को 4 हफ्तों के लिए नोटिस जारी करते हुए पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सगे भाइयों की वालदा को, जो अदालत में मौजूद थी, अदालत ने उनसे कहा कि अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप कहें, तो जिस पर माज और तला की वालदा ने अदालत से कहा कि मेरे दोनों बेटे 12 साल से लापता हैं, अब तो बाजियाबी की दरखास्तें भी बेमानी हो गई हैं। दोनों भाइयों, जिस पर तफ्तीशी अफसरान ने बताया कि दोनों भाइयों की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है, मुआवजा देने के लिए समरी भी मंजूर हो चुकी है। जबकि हुकूमत, जिस पर लापता नौजवानों की वालदा का कहना था कि मुझे हुकूमत से मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे वापस चाहिए। अदालत ने तफ्तीशी अफसरान को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए सरगर्मियां तेज करने की हदायत करते हुए कहा है कि GITs भी मुनक्कद की जाए और इसके साथ लियाकत राना आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में हीट वेव के पेश नज़र मैट्रिक के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए। 9वीं और 10वीं जमात के दीगर पेपर 27 मई के बाद लिए जाएंगे। 9वीं और 10वीं जमात के 2-2 मजामीन का इम्तहान बाकी है। इसी पर बात करेंगे, एसएन चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं। जी एसएन चांडियो, बताइएगा क्या ऐलान किया गया सिंध हुकूमत की जानिब से? अब जी बिल्कुल, देखिए NDMA और PDMA का सिंध में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया इम्तहान मुलतवी करने का और बाकायदा तौर पर कराची मैट्रिक बोर्ड की जानिब से इम्तहान मुलतवी करने का ऐलामिया जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक 21 से 27 मई के दरमियान मैट्रिक के इम्तहान नहीं होंगे। वजीर तालीम बोर्ड और जामियात के हुक्म पर थानवी तालीम बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तहान से मुलतवी होने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। जबकि मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक 28 मई से मैट्रिक के इम्तहान के शेड्यूल मुताबिक होंगे। 21 और 27 मई के दरमियान मुलतवी पर्ची का इम्तहान बाद में लिए जाएंगे और कुछ ही दिन बाद इनका हतमी नई तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया एसएन चांडियो, आप हमें आगाह कर रहे थे। मौसम गर्मा की तातीलात में इजाफा कर दिया गया है और छुट्टियों का आगाज अब 25 मई से होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने मुकर्रर वक्त से पहले छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मौसम की शिद्दत की वजह से ये फैसला किया गया है और साथ इजाफी छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जिन स्कूल्स में इम्तहान हो रहे हैं वहाँ छुट्टियाँ नहीं होंगी, इस नोटिफिकेशन में कहा गया है।